इस तरह का कोई फंक्शन हो जिसमें सेकेंड डिग्री का मोनोमियल, हाईएस्ट डिग्री का मोनोमियल जो हम लोग यूज करें वो सेकेंड डिग्री, तो जहां की ए बी सी कोई भी रियल नंबर है, ए को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और सी को कहते हैं कांस्टेंट टर्म, इस तरह के फंक्शंस को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शंस, क्वाड्रेटिक फंक्शंस। यहां ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए अगर जीरो हो गया तब ये फंक्शन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, तब ये अगर बी जीरो नहीं है तो लीनियर फंक्शन हो जाएगा, और अगर बी भी जीरो है और ए भी जीरो है तो सिर्फ एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। जैसे 2x² एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, 3x² - 1 ये भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, x का कोएफिशिएंट 0 है और कांस्टेंट टर्म भी 0 है, इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, x का कोएफिशिएंट 0 है, मिसिंग है, और कांस्टेंट टर्म -1 है। तो आज हम लोग एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनाना सीखेंगे, यानी आप ए बी सी के जगह पे कोई तीन रियल नंबर दे दीजिए, जैसे लीनियर फंक्शन का ग्राफ ए एक्स प्लस बी जैसा होता है, हम ए और बी के स्थान पे कोई रियल नंबर बोले, आप तुरंत ग्राफ बना लेंगे कि इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, स्लोप 2 और एक पॉइंट मालूम है जहां से ग्राफ को पास करना है, उसको वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं, तो इस पॉइंट से पास करता हुआ एक 2 स्लोप का लाइन होगा इस फंक्शन का चित्र। ए और बी का वैल्यूज हम कुछ भी दे दें, आप तुरंत बना दीजिएगा ग्राफ। सिमिलरली आज हम लोग सीखेंगे कि ए बी सी का वैल्यूज हम कुछ भी दे दें, आप तुरंत उसका ग्राफ बना लेंगे। सबसे पहले हम द सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, एक्स स्क्वायर, जो कि आप सब जानते हैं, हम लोग कई बार बना चुके हैं, 0.0, 1.1, 2.4, 3.9 वगैरह वगैरह, 4.16। इसका ग्राफ एक, ये फंक्शन एक इवन फंक्शन है, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। ये जो चित्र है, इस चित्र को हम लोग एक नाम से संबोधित करते हैं और करेंगे, आज से बोलेंगे उसको पैराबोला। पैराबोला के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे इन क्वाड्रेंट ज्योमेट्री। अभी केवल इतना बता दें कि पैराबोला के इस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, और इस पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट बनाएं, अ लाइन टचिंग द पैराबोला एट दैट पॉइंट, और उस पॉइंट पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर। ये टेंजेंट और नॉर्मल शब्द आप 10वां क्लास में सुन चुके हैं, सर्कल के केस में सुना था, टेंजेंट टू अ सर्कल। सर्कल पे अनगिनत पॉइंट्स हैं, किसी भी पॉइंट पे हम अगर कहें कि ये टेंजेंट बनाना है, तो एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का बात करते हैं जो सर्कल को उस पॉइंट पे कट करता है, और फिर उसके नेबरहुड में, अड़ोस पड़ोस में दोबारे उस सर्कल को कट नहीं करता है, वो एक यूनिक लाइन होता है। जरा सा भी इस लाइन को हम ऐसे झुका दें तो किसी न किसी एक और पॉइंट पे सर्कल को वो कट करेगा, या हम ऐसे झुका दें तो फिर दोबारे उस सर्कल को कट करेगा, अगर कम झुकाइए तो भी निकट में कट करेगा, और कम झुकाइए तो और निकट में कट करेगा, लेकिन एक यूनिक लाइन है जो सर्कल को उस पॉइंट पे कट करने के बाद उसके नेबरहुड में दोबारे सर्कल को कट नहीं करेगा। ऐसे लाइंस को हम लोग कहते हैं टेंजेंट्स। हर पॉइंट पे आप एक
टेंजेंट बना सकते हैं यूनिक, और उस पॉइंट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन जो बनाते हैं उसको कहते हैं नॉर्मल। कोई भी ग्राफ हम चित्र बनाए हैं कर्व, इस पॉइंट पे हम कहें कि एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और एक नॉर्मल, तो आज के बाद हम लोग सबको समझ जाएंगे कि हम टेंजेंट एट पी बोलते हैं एंड नॉर्मल एट पी। तो इस पैराबोला के वर्टेक्स जो कि एक पॉइंट है ऑन द पैराबोला, इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाएं टू द पैराबोला, एक ऐसा लाइन जो पैराबोला को छू के निकल जाए वर्टेक्स पे, अगर वैसा लाइन बनाएं और उसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाएं तो उसको नॉर्मल टू द पैराबोला एट द वर्टेक्स बोलेंगे। ये लाइन पैराबोला का बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको हम लोग एक्सिस ऑफ द पैराबोला बोलते हैं। जैसे आप कोई भी सर्कल बनाते हैं तो हर सर्कल का एक खास पॉइंट है जिसको सेंटर बोलते हैं, और एक खास डिस्टेंस है जिसको रेडियस बोलते हैं। एवरी पॉइंट ऑन दिस सर्कल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट, इस दूरी को रेडियस बोलते हैं। उसी तरह से पैराबोला का जब भी बात करेंगे तो हम वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला करके एक शब्द बोलेंगे एंड एक्सिस ऑफ द पैराबोला करके एक एक लाइन है, उस लाइन के अबाउट पैराबोला का जो चित्र है वो सिमेट्रिक होता है। जैसे इस चित्र में ये जिसको हम पैराबोला बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ, हर क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ अलग अलग बनेगा। अभी हम एक्स स्क्वायर का बनाए हैं तो एक पैराबोला बना जिसका वर्टिक्स ओरिजिन पे है 0,0, और उस पैराबोला का जो एक्सिस दिख रहा है वो मेरा वाई एक्सिस यानी एक्स इक्वल टू जीरो लाइन। इस चित्र का जो पैराबोला है उसका एक्सिस, अगर हम पैराबोला यहां बनाए इस तरह से, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए -5,2 पे है, ओरिजिन पे नहीं है, और एक्सिस का इक्वेशन ये अगर एक्स कोऑर्डिनेट -5 है तो इस पैराबोला का जो एक्सिस हुआ जो कि एक लाइन पैरेलल टू दी, ऐसा लाइन जिसके दोनों तरफ इसका चित्र सिमेट्रिकल दिखे, तो इस पैराबोला का एक्सिस एक्स इक्वल टू जीरो नहीं बल्कि एक्स इक्वल टू -5 है। अगर हम पैराबोला यहां बनाते हैं इस तरह से जिसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स देख रहे हैं -2,-7, और इसका जो एक्सिस है वो एक लाइन है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और ये 7 यूनिट्स नीचे है यानी ये पॉइंट -7 है। तो इस चित्र का जो पैराबोला का जो एक्सिस है उसका इक्वेशन वाई बराबर -7 है। अगर कोई हम ऐसा पैराबोला बनाए मे बी उसका एक्सिस कोई अन्य लाइन हो और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स देख सकते, तो जब भी हम कोई चित्र बनाएंगे और कहेंगे कि ये एक पैराबोला बनाए हैं तो एवरी पैराबोला से रिलेटेड दो महत्वपूर्ण क्वांटिटी है, एक उसका वर्टेक्स पूछेंगे कि कहाँ पे है आपके एक्स वाई प्लेन में, जो भी चित्र आप बनाए हैं और कह रहे हैं कि पैराबोला है उसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए और उसके एक्सिस का इक्वेशन बता दीजिए, ये हम एक्सपेक्ट करेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर फंक्शन का चित्र पूछें कि जरा उसको डिस्क्राइब कीजिए, तो आप बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर फंक्शन का जो चित्र है वो एक पैराबोला बनता है जिस पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पे कोइंसाइड करता है और पैराबोला का जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस से कोइंसाइड करता है। इतना बात बोलना होगा। अगर हम आपसे कहें कि 2 times एक्स स्क्वायर फंक्शन का चित्र बनाना है, इस बार अभी हम लोग y बराबर एक्स स्क्वायर यानी इसके जितना भी पॉइंट है सबका y कोऑर्डिनेट, अगर x कोऑर्डिनेट
x है तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट x स्क्वायर है। अब हम चाहते हैं कि y बराबर 2 टाइम्स x स्क्वायर का ग्राफ बनाएं। इस बार x इक्वल टू 0 लाइन पे डॉट यही होगा, x इक्वल टू 1 लाइन पे जो डॉट होगा इसका वैल्यू 1 होगा, इंटू 2 कर दीजिएगा तो डॉट अब 1 हाइट पे डॉट बना था जब आप इस फंक्शन का चित्र बना रहे थे, लेकिन अब 2 हाइट पे बनेगा डॉट जब आप उसका चित्र बना रहे हैं। इसका डॉट जब x इक्वल टू 2 पे 4 हाइट पे बना था, लेकिन अब इसका फंक्शन चित्र बना रहे हैं तो 4 इंटू 2 यहाँ पे डॉट, यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा 2x स्क्वायर फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो भी पैराबोला ही के शक्ल का है, उसका वर्टिक्स भी ओरिजिन पे है, उसका एक्सिस भी वाई एक्सिस ही है, लेकिन फिर भी इस पैराबोला और इस पैराबोला में आकार का अंतर है, दोनों का आकार साइज सेम नहीं है। जैसे एक सर्कल हम यहां बनाएं और एक यहां बनाएं, अलग अलग स्थान पे दोनों का सेंटर है, रेडियस लेकिन अगर सेम है तो दोनों का आकार कहेंगे कि सेम है, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। दो ज्योमेट्रिकल फिगर अगर हूबहू हो आकार में तो उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। जैसे ये पैराबोला और ये पैराबोला दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये पहले की तुलना में थोड़ा चपटा दिख रहा है और काफी खड़ा। अगर आप y बराबर 3x स्क्वायर का ग्राफ बनाते तो वो और चपटा पैराबोला दिखता आपको। अगर आप y बराबर -2x स्क्वायर यानी इस फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहें तो अगली बार जो डॉट्स होगा x इक्वल टू 1 लाइन पे जो डॉट बनाएंगे आप, इस फंक्शन का वैल्यू तो 1 होगा लेकिन -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डॉट ऊपर नहीं बन करके नीचे बनेगा, नीचे -2 पे बनेगा, x इक्वल टू 2 पे -8 पे बनेगा डॉट। यानी हम उन डॉट्स को अगर कनेक्ट करें ग्राफ बना रहे हैं माइनस ऑफ 2x स्क्वायर। नोटिस कीजिए इसमें जो 2x स्क्वायर ग्राफ है ये बिल्कुल उसी आकार का बनेगा पैराबोला, यानी 2x स्क्वायर ग्राफ का जो पैराबोला है उस पे डॉट्स जितना ऊंचाई पे ऊपर है इसका डॉट्स उतना ही नीचे है x एक्सिस। 2x इक्वल टू 1 पे 2x स्क्वायर का वैल्यू था 2, आप प्लॉट किए अब -2 नीचे बनाए तो ये फंक्शन का जो ग्राफ बना और ये फंक्शन का जो ग्राफ बना उनमें क्या समानता है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों का आकार सेम है। आप चाहें तो इसको उठा करके आप उस पर रखिएगा तो ओवरलैप कर जाएगा वो बहु। अगर हम y बराबर -x स्क्वायर का ग्राफ बोले बनाने तो ये जो y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ है उसी का मिरर इमेज ले ले अगर x एक्सिस में, उसी के कॉन्ग्रुएंट बनेगा ये एक पैराबोला। ये पैराबोला और ये पैराबोला दोनों का वर्टेक्स ओरिजिन पे है और दोनों का एक्सिस y एक्सिस ही है, दोनों का आकार भी सेम है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर यह है कि एक पैराबोला का मुंह पॉजिटिव वाई एक्सिस के दिशा में है और एक का नेगेटिव वाई एक्सिस के दिशा में है। इसको हम लोग कॉनकेविटी बोलते हैं पैराबोला का, इसको कॉन्वेक्स साइड बोलते हैं, कॉनकेव साइड और इसको कॉन्वेक्स साइड। तो हम इस केस में कहेंगे कि एक्स स्क्वायर फंक्शन का जो ग्राफ बना इट इज अ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, इट्स एक्सिस कोइंसाइड्स विद द वाई एक्सिस एंड इट्स कॉनकेविटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस। और इसके लिए बोलेंगे कि इसका कॉनकेविटी नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, जिसको हम कई बार बोलेंगे पैराबोला का मुंह खुला हुआ है नेगेटिव वाई एक्सिस की दिशा में। अब हम लोग यहां तक ये सीखे कि ए एक्स स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ बोला जाए बनाने, आज के बाद
कोई भी वैल्यू ऑफ ए दीजिए, हम तुरंत ग्राफ बना देंगे। अगर पॉजिटिव नंबर दीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर फंक्शन का सारा ए कुछ भी डाल दीजिए, सारा ग्राफ या तो ऐसा बनेगा शक्ल का या ऐसा बनेगा। ए पॉजिटिव नंबर होगा तो मुंह ऊपर, ए नेगेटिव नंबर होगा तो मुंह नीचे। इन सभी पैराबोलास का वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा और सभी पैराबोलास का एक्सिस वाई एक्सिस से कोइंसाइड करेगा। ए का वैल्यू जितना बड़ा रखिएगा उतना चपटा होगा, जितना छोटा, अगर हाफ एक्स स्क्वायर ग्राफ बनाना हो तो एक्स इक्वल टू वन पे वैल्यू हाफ और नीचे डॉट होगा, एक्स इक्वल टू टू पे ये फोर टाइम्स हाफ और नीचे, यानी ग्राफ थोड़ा ऐसा बनेगा और फैला होगा क्योंकि डॉट सब अब नीचे नीचे बनेगा। एक चीज सीख गए, ए टाइम्स एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो बना ले, ए बोलिएगा मेरे दिमाग में एक ग्राफ आ जाएगा, माइनस बोलिएगा तो मुंह नीचे, प्लस बोलिएगा तो मुंह ऊपर, जितना बड़ा नंबर बोलिएगा उतना चपटा, 70x² एकदम चपटा सा खड़ा सा ग्राफ। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 3 का ग्राफ कहें कि बनाइए, तो अब इस फंक्शन का जब आप ग्राफ बना रहे हैं तो डॉट्स क्लियर होना चाहिए। जब आप y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाए थे तो डॉट्स था 0.0, 1.1, 2.4, 3.9, 4.16 वगैरह वगैरह, लेकिन जब आप इस फंक्शन का ग्राफ बनाइएगा तो x के जगह 0 डालेंगे तो ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो 0+3, 1 डालिएगा तो ये रिटर्न करेगा 1 और ये फंक्शन का वैल्यूज होगा 1+3, 2 के करस्पॉन्डिंग 4+3, 3 के करस्पॉन्डिंग 9+3, 4 के करस्पॉन्डिंग 16+3। कुछ नोटिस करना था कि अगर एक्स स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ मान लीजिए आप बना सकते हैं, जो कि बना सकते हैं हम सब, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 फंक्शन का ग्राफ बनाना हो तो सभी वाई कोऑर्डिनेट्स देखिए, हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट्स 3-3 यूनिट से ऊपर घसक गया है। एवरी पॉइंट हैज शिफ्टेड बाय 3 यूनिट, एवरी पॉइंट, यानी ये है ग्राफ ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन, यानी कोई भी बॉडी का हर पॉइंट अगर समान मात्रा से घसक जाए, अपने स्थान से डिस्प्लेस्ड हो जाए, तो हम इस तरह के मोशन को फिजिक्स में कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के दिशा में 3 यूनिट से ट्रांसलेट हो गया है। अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 5 का ग्राफ कहे बनाने, अगर कोई भी विद्यार्थी जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना सकता है वो तुरंत इस फंक्शन का ग्राफ बना सकता है, अगर ये समझ गया हो तो कि अब सिर्फ हर पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो 5-5 यूनिट्स नीचे, यानी पूरा ग्राफ को आप सिर्फ घसका दीजिए 5 यूनिट्स नीचे, यानी कि अब इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला होगा इसी के आकार का। इस संख्या के ऐड करने से आकार नहीं बदला है, सिर्फ स्थान बदल गया है। अब उसका वर्टेक्स जो पहले 0-0 पे था अब 0.-5 पे है। एक्सिस तो खैर अभी भी वही है x इक्वल टू 0 और कॉन्ग्रुएंट है ये पैराबोला और ये पैराबोला, ये पैराबोला और ये पैराबोला, तीनों पैराबोला कॉन्ग्रुएंट पैराबोला। अगर हम कहें कि 2x² - 3 का ग्राफ बनाएंगे
तो जो विद्यार्थी 2x स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ बना लेगा, 2x स्क्वायर का ग्राफ बना लेगा, वो अब 2x स्क्वायर फंक्शन में कोई भी कांस्टेंट नंबर हम ऐड करें, पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो वो ग्राफ का सारा पॉइंट उतना यूनिट से पॉजिटिव वाई दिशा में ट्रांसलेट कर जाएगा, ऐसा बोलते हैं। और नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे तो नीचे के सकते हैं। ये बात किसी भी फंक्शन के लिए सकते हैं। अगर कोई भी फंक्शन का ग्राफ बना है x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b के बीच में, हम कोई भी एक फंक्शन का ग्राफ आपको कहे कि बनाइए, आप बना लें, डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल लाइंस बनाए वैल्यूज ऑफ x, और जल्दी जल्दी x का वैल्यूज डाल के फंक्शन का वैल्यू निकाले, वही y कोऑर्डिनेट होगा। इस लाइन पे जो y कोऑर्डिनेट है, इस लाइन पे जो y कोऑर्डिनेट है पॉइंट का, वो आप यहाँ से कैलकुलेट किए और जल्दी जल्दी डाल दिए, ग्राफ बन गए। अब कहें कि आप इसका चित्र बनाइए, उसमें एक टर्म ऐड कर दी, अभी नया फंक्शन है ये, वो फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम आपसे अब कहें कि इसका ग्राफ बनाइए, तो उस ग्राफ पे जो पॉइंट्स था, अगर x1 कॉमा f(x1) था, x2 या y1 लिख रहे हैं, x2 कॉमा y2 था, x3 कॉमा y3 था, इसके ग्राफ पे पॉइंट्स, तो इसके ग्राफ पे जो पॉइंट्स होगा वो उसमें, यहाँ f(x1) लिख रहे हैं फिर से, f(x2) f(x3), लेकिन अब इस ग्राफ पे जो पॉइंट्स होगा वो x1 कॉमा f(x1) प्लस 3 प्लस 2 x2 x इक्वल टू s2 लाइन पे जो डॉट होगा वो f(x2) प्लस 2, यानी इसका ग्राफ जब बोले कि बनाइए, तो जो विद्यार्थी इस फंक्शन का ग्राफ बना लेगा वो केवल इस ग्राफ को 2 यूनिट से ऊपर उठा देगा। दैट इज द ग्राफ ऑफ f(x) प्लस 2। अगर ये y बराबर f(x) का ग्राफ, हम लोग यही सीखे हैं कि अब ax स्क्वायर प्लस c का ग्राफ कहें कि बनाइए, तो जो विद्यार्थी ax स्क्वायर का ग्राफ बना पाएगा वो तुरंत अब इस फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ इसके ग्राफ को ट्रांसलेट करना है y एक्सिस के पैरेलल c यूनिट से ऊपर या नीचे, डिपेंडिंग अपॉन whether c इज पॉजिटिव और नहीं। अब हम इसका ग्राफ तुरंत बना लेंगे, मन में ही देखते हैं, 2x स्क्वायर का ग्राफ मन में बनाए और 3 यूनिट्स उसको नीचे घसका दिए, तैयार हो गया मेरा ग्राफ ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी फंक्शन का जब आप ग्राफ बनाते हैं, तो जहां जहां वो आपका ग्राफ y एक्सिस और x एक्सिस को कट करता है, इन नंबर्स को मार्क करना आवश्यक होता है। अब वो मार्क करना बहुत आसान काम है, हम y एक्सिस को कहां कट करता है, तो y एक्सिस का नाम है x = 0, यानी कोई भी ग्राफ किसी भी फंक्शन का जब y एक्सिस को कट करेगा, तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो आप जानते हैं, y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो डालेंगे x के जगह 0, आपको ये फंक्शन y कोऑर्डिनेट बता देगा, y इंटरसेप्ट बता देगा। और x एक्सिस को कहाँ कट करता है ये जानना है, तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल का नाम है y बराबर 0 लाइन, तो यहाँ y के स्थान इन सभी पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट आपको पता है 0, समथिंग कॉमा 0, y के जगह 0 लिख करके एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको सारा वैल्यूज ऑफ x जो कि x इंटरसेप्ट निकल जाएगा, तो जरूरी है। जैसे इसका हमको x के जगह 0 डाल दें तो y बराबर -3 आ गया, मार्क कर दो, और y के जगह 0 लिख करके हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें 2x² - 3 = 0, यानी 2x² = 3, यानी x² = 3/2, यानी x = ±√3/2, तो ये पॉइंट हो गया माइनस
रूट के अंदर 3/2 और ये पॉइंट हो गया प्लस रूट के अंदर 3/2। अब आखिरी चीज सीखना है हम, अब एक्स स्क्वायर प्लस सी टाइप का आप फंक्शन दीजिएगा तो हम चित्र तुरंत बना लेंगे। वो ग्राफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ कल्पना करेंगे और उसको ट्रांसलेट करेंगे पैरेलल टू दी वाई एक्सिस ऊपर या नीचे। अगर हम कहें कि आप इस फंक्शन का ग्राफ बनाइए एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर, आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना चुके हैं, अब एक्स थ्री का स्क्वायर इसका ग्राफ बनाइए। अभी हम चित्र में एक्स स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ बनाए हैं यानी 0, 0, 1, 1, लेकिन जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखिए जरा ये फंक्शन का जो फ्लो चार्ट है यानी कोई भी इनपुट एक्स के करस्पोंडिंग अगर हम कहें कि इस फंक्शन का वैल्यू बताइए एक्स बराबर 5 के लिए बताइए फंक्शन का वैल्यू, तो पहले आप 5 में 3 ऐड करेंगे, इस फैक्ट्री में डालेंगे 5 को और यहां से जो नंबर निकलेगा उसको लेकर के आप स्क्वायर फैक्ट्री में जाएंगे तब देखिए निकलेगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये फैक्ट्री का बस यही काम है, कोई नंबर डालिए एक्स तो उसमें माइनस 3 ऐड करके नंबर रिटर्न कर देगा, आम डालिएगा तो आम माइनस 3, अमरूद डालिएगा तो अमरूद माइनस 3। इस फैक्ट्री का काम है कोई नंबर डालिएगा एक्स तो उसको स्क्वायर करके रिटर्न कर दीजिएगा, हाथी डालिएगा तो हाथी स्क्वायर। तो फॉर एग्जाम्पल यहां एक्स डाले तो ये फैक्ट्री रिटर्न करेगा एक्स माइनस 3 और ये अब एक्स माइनस 3 एक्स के स्थान पे लिखना होगा तो वो रिटर्न कर देगा इतना। दिस इज कॉल्ड द फ्लो चार्ट ऑफ दिस फंक्शन। अब इस फंक्शन का ग्राफ पे जो पॉइंट्स था वो 0, 0 था, हम लिख रहे हैं x1, y1 था, x2, y2 था, ... मान लें इस फंक्शन के ग्राफ पे x1 माइनस x के जगह डालिए x1, x1 डालेंगे तो रिटर्न करेगा, अगर हम x के जगह डालेंगे x1 प्लस 3 तो देखिए क्या रिटर्न करेगा, x1 प्लस 3 में माइनस 3 ऐड करेगा, x1 का स्क्वायर रिटर्न करेगा। तो x1 डाले थे तो यहां x1 स्क्वायर आया था, x2 डालने पर x2 स्क्वायर, x3 डालने पे x3 स्क्वायर मान ले। इस फैक्ट्री में जब आप x1 प्लस 3 डालेंगे तो x1 स्क्वायर आएगा, जब x2 प्लस 3 डालेंगे तो x2 स्क्वायर आएगा, डाल के देखिए x2 प्लस 3। यानी हम क्या नोटिस किए कि अब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स था अगर x1, x1 स्क्वायर, तो इस फंक्शन का ग्राफ बनाते वक्त x1 प्लस 3 वर्टिकल लाइन पे वही डॉट यहां चला जाएगा, हर डॉट एक्स एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट कर जाएगा 3-3 यूनिट से, ग्राफ ऐसा बनेगा। यही बात हम लोग नोटिस किए। तो जो विद्यार्थी एक्स स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ बना लेगा वो एक्स माइनस 3 का स्क्वायर ग्राफ तुरंत बना लेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और एक्स माइनस 3 का स्क्वायर में अंतर है, इसमें आप पहले एक्स स्क्वायर, इसका फ्लो चार्ट है पहले एक्स स्क्वायर और तब एक्स माइनस 3 फैक्ट्री में घुसेगा इनपुट। अब यहां देखिए x डालिएगा तो एक्स स्क्वायर निकलेगा और यहां जब ये नंबर जाएगा x के स्थान पे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 निकलेगा। तो दोनों फंक्शन में बहुत अंतर है लेकिन ग्राफ दोनों का ग्राफ पैराबोला बनेगा कॉन्ग्रुएंट। एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना के अगर आप माइनस 3 ऐड करना है बनाने के बाद तो पूरा ग्राफ को 3 यूनिट्स नीचे घसका दीजिए, ग्राफ तैयार हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 का। अगर एक्स में 3 घटा के तब स्क्वायर करना है तो पूरे ग्राफ को 3 यूनिट्स राइट घसका दीजिए, x इक्वल टू 3 डालने पर ये वो नंबर रिटर्न करेगा
जो x इक्वल टू जीरो डालने पर ये रिटर्न करता था, तो पूरा ग्राफ ही 3 यूनिट से खसक जाएगा। इन जनरल हम लोग इस बात को सीख लें, किसी भी फंक्शन के लिए ये जरूरत पड़ेगा 2। अगर आप एक चित्र बनाए हैं y बराबर fx, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाला चित्र बनाए हैं, मतलब fx फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं आप, y एक्सिस के लॉन्ग फंक्शन के वैल्यूज को प्लॉट कर रहे हैं। अब अगर कहें कि हमको f ऑफ x प्लस कोई नंबर का ग्राफ बनाइए, या अगर कहे कि f ऑफ x माइनस अल्फा का ग्राफ बनाइए, तो इस बार फंक्शन का पहले ग्राफ बना लीजिए और प्लस बीटा यानी y एक्सिस के लॉन्ग ऊपर नीचे कीजिए, डिपेंडिंग की पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं, हर डॉट में ऐड हो रहा है y कोऑर्डिनेट सब। अब पहले जितना y कोऑर्डिनेट था, अब हर y कोऑर्डिनेट में बीटा ऐड हो रहा है। और अगर ऐसे लिख दे तो ग्राफ को अल्फा यूनिट से ट्रांसलेट करना होगा, ग्राफ यहां चला जाएगा। अगर अल्फा पॉजिटिव नंबर है तो ये ग्राफ होगा अल्फा यूनिट से हम शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स राइट, अल्फा नेगेटिव होगा तो लेफ्ट, ये ग्राफ होगा एफ ऑफ एक्स माइनस अल्फा का। और अगर हम ऐड करें फंक्शन के वैल्यू में कोई नंबर बीटा, तो ये दो तरह का ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इसको। आप ओरिजिनल इक्वेशन ये था संबंध बिटवीन एक्स एंड वाई, आप अगर संबंध y माइनस बीटा, हम इसको y माइनस बीटा लिख रहे हैं, इक्वल टू f ऑफ x माइनस अल्फा, हम अगर इस ग्राफ का एक चित्र कहें कि बनाइए, अब दोनों चीज हम कर दिए, x के स्थान पे x माइनस अल्फा लिख दिए हैं और y के स्थान पे y माइनस बीटा लिख दिए हैं। इसको हम y बराबर f ऑफ x माइनस अल्फा प्लस बीटा के रूप में देख सकते हैं, यानी अगर हम दोनों चीज कर दें, इसका मतलब है कि आप fx का ग्राफ अगर बना चुके हो, तो अब इस का ग्राफ बनाने के लिए x एक्सिस के अलोंग भी आपको घसकाना होगा और y एक्सिस के अलोंग भी घसकाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस इक्वेशन का ग्राफ बना चुके हैं, हम आपसे चाहते हैं कि आप y माइनस टू बराबर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का ग्राफ बनाएं। वही संबंध है अभी भी, लेकिन x के स्थान पे हम x प्लस वन लिख रहे हैं, y के स्थान पे y माइनस टू लिख रहे हैं। आप इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, x प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। तो x के जगह अगर हम x प्लस वन लिख दिए हैं, तो आपको x स्क्वायर के ग्राफ को वन यूनिट टुवर्ड्स लेफ्ट घसका देंगे अगर, तो ये x प्लस वन के होल स्क्वायर का ग्राफ तैयार हो गया। और फिर उसमें 2 ऐड करना है, तो पूरे ग्राफ को हम 2 यूनिट से उठा दें। अब मेरा ग्राफ तैयार हो गया, x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 2। दोनों तरह का ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है, इसीलिए दोनों तरह का ट्रांसलेशन हमको करना पड़ा, कुछ x एक्सिस के अलोंग और कुछ y एक्सिस के अलोंग घसकना पड़ा। सारा कोऑर्डिनेट सी घसक जाता है। इस ग्राफ पे अगर कोई x1 पॉइंट था और करेस्पोंडिंग कोऑर्डिनेट y1 था, x1 स्क्वायर को हम y1 बोल रहे हैं, अब इसी ग्राफ पे x1 माइनस 1 डालिएगा, तो आपको जो कोऑर्डिनेट रिटर्न होगा वो x1 स्क्वायर प्लस 2 होगा। डाल के देखिए x1 माइनस 1, यानी कि x इक्वल टू x1 पे जो हाइट था ग्राफ का x1 स्क्वायर था, अब x1 माइनस 1 वन यूनिट लेफ्ट घसक जाइए और वहां पर जो हाइट होगा
वो x1² + 2 होगा। तो आपको दोनों चीज हो गया। अब ये पॉइंट जो यहां था अब यहां चला गया है, यानी 1 यूनिट लेफ्ट घसक गया है और 2 यूनिट्स ऊपर चला गया है। अब हम लोग धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ रहे हैं। अगर हम लोग इस बात को समझ गए हैं कि कोई भी संबंध हो बिटवीन 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, और अगर आप इस संबंध का चित्र बना सकते हैं, उसमें अगर हम ऐसा कोई बदलाव करें इक्वेशन में, एक्स के स्थान पे एक्स माइनस अल्फा लिख दें और वाई के स्थान पे वाई माइनस बीटा, तो ऐसा बदलाव करने से ग्राफ के शक्ल में कोई बदलाव नहीं होता है, वही रहता है, सिर्फ अपना स्थान ग्राफ बदल लेता है, सिर्फ ट्रांसलेशन, नो रोटेशन, सिर्फ एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल सर्टन अमाउंट से घसकता है। ये हम लोग सीख गए। एक बार मन में फिर से देख लीजिए, x-3² × 2-4 इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। तो जो विद्यार्थी 2x² फंक्शन का ग्राफ बना सकता है वो इसका ग्राफ बना लेगा। y = 2x² ग्राफ, हम इसी में x के स्थान पे x-3 लिख दिए हैं और एक -4 ऐड कर दिए हैं। तो सबसे पहला बात यही समझना था कि इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो 2x² पैराबोला के जैसा होगा, एकदम कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम सबसे पहला ग्राफ बना लिए 2x². अब दो तरह का हम ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं इस फंक्शन में। हम x के स्थान पे x-3 लिख दिए हैं, जिसके कारण अब ये ग्राफ 3 यूनिट्स टू द राइट शिफ्ट करना होगा हम, यानी अब ये ग्राफ बन गया 2 टाइम्स x के जगह हम लिख रहे हैं x-3 का स्क्वायर। और अब हमको इस फंक्शन के वैल्यूज में -4 ऐड करना है, यानी सारा डॉट 4 यूनिट्स नीचे चला जाएगा ग्राफ ऐसा। हाँ, 3 यूनिट्स राइट एंड 4 यूनिट्स डाउन, यानी वर्टेक्स जो पहले 0-0 पे था अब वर्टेक्स 3-4 पोजीशन पे चला गया है। अब इस पैराबोला का जो एक्सिस है वो अब x = 0 नहीं हो करके x = 3 एक्सिस है। लेकिन अभी ग्राफ अधूरा है, क्योंकि जब तक हम इन पॉइंट्स को नहीं मार्क करें तो करते हैं इस ग्राफ को हम बना रहे हैं। देखिए, देयर आर 3 ग्राफ्स, ये है 2x² का ग्राफ, ये है 2 times x-3 का होल स्क्वायर, इसको हम मिटा रहे हैं। अब इसी ग्राफ को घसकाए हैं पैरेलल टू द एक्स एक्सिस 3 यूनिट्स इस ट्रांसफॉर्मेशन के कारण, और उसको 4 यूनिट्स नीचे घसकाए हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के कारण, ये ट्रांसलेशन किए। पर चित्र तभी माना जाएगा कंप्लीट जब हम उसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट दिखा दें। जैसे हम इसमें एक्स के जगह 0 डाल दें और वैल्यू कैलकुलेट करें, तो 9 × 2 = 18 − 4 = 14, वाई इंटरसेप्ट 14 है, तो थोड़ा और ऊपर बना देते हैं, होगा भी ये काफी पतला सा ग्राफ 14 मार्क कर दिए। और एक्स इंटरसेप्ट ढूंढने के लिए हम वाई के जगह 0 लिख करके इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इतना = 0, यानी इतना = 4, यानी इतना = 2, यानी x-3 = ±√2, यानी x = 3 − √2 एंड 3 + √2, यह है x = 3 लाइन। उसी से √2 यूनिट्स राइट एक पॉइंट होगा, 3 + √2 उतना ही दूरी लेफ्ट, क्योंकि ये पैराबोला अपने एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, तो ये एक्सपेक्टेड था 3 − √2। ये पॉजिटिव नंबर है 3 − √2, क्योंकि √2 का वैल्यू 1.414 है, तो 3 उससे बड़ा है, तो ये पॉजिटिव।
अब आखिरी, जरा देखिए, हम अब एक पैराबोला आपको दे रहे हैं, इसका ग्राफ बनाना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। अब जितना चीज हम लोग सीखे हैं, देखिए उसी से ये ग्राफ बनेगा। हम इस एक्सप्रेशन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं खास शक्ल में। यहां पे हम कल्पना कर रहे हैं कि 2 इंटू हाफ लिखा हुआ है, यानी 2ab प्लस ए स्क्वायर जैसा लिखा है। अगर प्लस 1/4 ऐड कर दें और माइनस 1/4, तो ये वाला टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर हम लोग इसको चाहें तो अब x प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1/4 लिख सकते हैं, और एक माइनस वन, इन दोनों को ऐड कर दें तो हम इसी फंक्शन को अब इस शक्ल में लिख सकते हैं और इसका ग्राफ बना लेंगे। जो विद्यार्थी y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लेगा, वो इसका बना लेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ दो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, x के स्थान पे लिखा है x प्लस हाफ, और फाइनली फंक्शन के वैल्यू में एड किया गया है -5/4, यानी इसका ग्राफ एक्स स्क्वायर पैराबोला के कॉन्ग्रुएंट होगा, लेकिन यहां नहीं बनेगा, उसका वर्टेक्स हमारे ओरिजिन से कोइंसाइड नहीं करेगा, कहीं और होगा एक्स वाई प्लेन में, रोटेट नहीं, ट्रांसलेट कहां होगा, ई हाफ यूनिट्स लेफ्ट, क्योंकि एक्स प्लस हाफ है, अब 5/4 यूनिट्स नीचे, कहीं यहां पे चला जाएगा पैराबोला घसक के कुछ ऐसे। पर ये ग्राफ बनाने के पहले जरूरी है जानना इसका वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट, तभी ग्राफ बन पाएगा, नहीं तो अधूरा बनेगा। हाफ कॉमा 5/4, इसका जो वाई इंटरसेप्ट है, एक्स के जगह जीरो डालिए तो वाई का वैल्यू -1 आता है यहां। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -0.5, -5/4। ये वर्टेक्स 0, 0 पे था, घसक के यहां चला गया। ये वाला पॉइंट का मार्किंग -1। अब दो पॉइंट और बचा, एक्स इंटरसेप्ट, तो वाई के जगह 0 लिखेंगे और एक्स का वैल्यू सॉल्व करके निकालेंगे। यहां से भी निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बराबर 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन रखा है सबको, -b प्लस और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac, तो +4 हो जाएगा √5 √2 times a, दो संख्या आया, एक -1/2 -√5/2 और एक -0.5 +√5/2। असल में इस पैराबोला का एक्सिस अब x = -0.5 है, तो दोनों x इंटरसेप्ट जो आएगा वो -0.5 +√5/2 और -0.5 -√5/2, बराबर दूरी दोनों तरफ, √5/2 यूनिट्स की दूरी पर उधर भी और इधर भी। यानी फाइनली हम लोग इस निष्कर्ष से पहुंचे हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दिया जाए, एक और एग्जांपल ले रहे हैं, हम इसको ट्रांसफॉर्म करके अगर एक खास शक्ल में ले आए, देखिए लाते हैं इसमें, इसका जो ग्राफ बनेगा हम साबित करने जा रहे हैं कि वो 2x स्क्वायर पैराबोला जैसा ही बनेगा हूबहू, लेकिन उसका चित्र को ओरिजिन पे नहीं होगा वर्टेक्स, कहीं और होगा। कहां होगा ये सब बात अभी पता चलेगा। हम 2 कॉमन लेकर के इस एक्सप्रेशन पे ही हमेशा ध्यान रखना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ऑफ अ लीनियर एक्सप्रेशन, एक्स माइनस समथिंग का होल स्क्वायर या एक्स प्लस समथिंग का होल स्क्वायर लीनियर का स्क्वायर के रूप में एक्सप्रेस करना है। हम यहां पर कल्पना करें कि 2 लिखा है और 3/4, 2 times 3/4,
ताकि ये अब आपको दिखे एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, तो एक प्लस कितना ऐड करने से ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर। तो ये एक्स प्लस 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन माइनस कर दें 9/16। चेक कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस 9/16 तो कट गया, खाली इतना बराबर इतना रह गया माइनस 5। अब हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 9/8 माइनस 5, इन दोनों को ऐड कर दें, माइनस कॉमन लेके 40 प्लस 9 49/8। हम इस फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर लिए इस रूप में। अब हम समझ गए कि ये y बराबर 2x स्क्वायर का जो ग्राफ बना लेगा वो इसका बना लेगा, क्योंकि x के जगह सिर्फ x प्लस 3/4 लिखे हैं और एक कांस्टेंट नंबर ऐड किए। तो हम सबसे पहले 2x स्क्वायर का ग्राफ बना रहे हैं, लेकिन अब इसका ग्राफ बनाना हो तो कितना घसकाएं, माइनस 3/4 यानी लेफ्ट 3/4 से और नीचे 49/8 से, इस तरह से ग्राफ बनेगा। लेकिन फिर वही बनाने के पहले ये बहुत जरूरी है कि हम दी एक्स इंटरसेप्ट एंड दी वाई इंटरसेप्ट को लोकेट कर लें। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन 2x स्क्वायर। इसका वर्टिक्स का कोऑर्डिनेट्स जितना घसकाए हैं 3/4, ओरिजिन से वर्टिक्स को घसकाए हैं लेफ्ट, हर पॉइंट ही घसकेगा 3/4 लेफ्ट एंड 49/8 नीचे। तो वर्टिक्स का कोऑर्डिनेट्स होगा माइनस 3/4 कॉमा माइनस 49/8, और इसका x और y इंटरसेप्ट, x के जगह 0 डाल दीजिएगा तो y इंटरसेप्ट माइनस 5, और y के जगह 0 डाल करके सॉल्व कीजिएगा। यहाँ भी डाल के सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ भी डाल के सॉल्व कर सकते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस 9 प्लस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस 40 डिवाइडेड बाय 2 a 4। 49 का स्क्वायर रूट 7 आ गया, अच्छा सा नंबर आ गया रैशनल। अब माइनस 3 माइनस 7 माइनस 3/4 माइनस 7/4 माइनस 3/4 प्लस 7/4, इसका एक्सिस है अब x इक्वल टू माइनस 3/4 लाइन, उसी से 7/4 यूनिट्स लेफ्ट और 7/4 यूनिट्स राइट। हम जरा सिंप्लीफाई भी कर दें, इसको हम माइनस 10/4 को माइनस 5/2 लिखेंगे और 7 - 3 4/4 को 1 लिखेंगे, यानी ये नंबर है 1 और ये नंबर है माइनस 5/2। अब जाके ग्राफ कंप्लीट हुआ। अब हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ अगर बनाना हो तो यही ट्रांसफॉर्मेशंस, पहले एक कॉमन लेंगे हम, फंक्शन अगर को हम वाई कोऑर्डिनेट, हम इसमें ए कॉमन लेकर के पहले इसको ऐसे लिखेंगे, फिर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, कल्पना करेंगे 2 times b/2a, तो ये x प्लस b/2a का होल स्क्वायर और माइनस b²/4a² करेंगे प्लस c, और फिर हम अब a से गुणा करेंगे माइनस b²/4a प्लस सी। हम इसको ऊपर नीचे अगर 4a से मल्टीप्लाई कर दें ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, अब न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं 4ac - b² में से माइनस कॉमन लेकर के हम न्यूमरेटर को b²-4ac/4a लिख रहे हैं, जिसको पॉपुलरली हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं। इस रूप में हम ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे हर बार क्वाड्रेटिक फंक्शन को इस रूप में। अब इसका ग्राफ एक पैराबोला होगा ax स्क्वायर जैसा, a पॉजिटिव नंबर होगा तो मुंह ऊपर नहीं तो नीचे, इसी पैराबोला को घसकाना होगा वर्टेक्स को
घसका के माइनस बी बाई टू ए एक्स माइनस माइनस एक्स माइनस अल्फा होता है तो अल्फा यूनिट्स शिफ्ट करते हैं तो माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस बी बाई फोर ए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट सब जीरो जीरो नहीं हो करके इतना हो जाएगा। अब किस क्वाड्रेंट में होगा ये हम नहीं जानते हैं, अभी नेगेटिव नंबर आएगा कि पॉजिटिव नंबर, उसी अनुसार अगर ये दोनों नेगेटिव नंबर आता है तो वर्टेक्स यहां चला, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो मे भी घसक के उधर चला जाएगा। अब हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं और उसका जो एक्सिस होगा वो अब एक्स इक्वल टू वो भी घसक जाएगा बी बाई टू ए यूनिट से घसक जाएगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी अब उसका इक्वेशन इतना हो जाएगा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स और एक्सिस का इक्वेशन। हम लोग दोनों इसी को हम लोग एक्चुअली में याद कर लेते हैं, यानी अगली बार से जब जैसे ही कोई ये क्वाड्रेटिक फंक्शन देखेंगे तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये एक पैराबोला होगा जिसका मुंह ऊपर होगा, पॉजिटिव है तो नीचे होगा नेगेटिव है तो, इन सब से कोई मतलब ही नहीं है। पैराबोला का जो शक्ल है उसको सिर्फ ए से मतलब है, ए जितना बड़ा नंबर होगा उतना चपटा होगा, जितना छोटा उतना, ये सब नंबर सिर्फ पैराबोला के पोजिशनिंग को डिसाइड करता है। वर्टेक्स कहां चला जाएगा अब तुरंत बताएंगे हम लोग, अब ये सब नहीं करेंगे, हम ये रट लेंगे माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डिस्क्रिमिनेंट बटे फोर ए और उसका एक्सिस अब कहां चला जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। अब तक हम लोग जो सीखे हैं उसको जरा एक बार देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो हम वाई एक्सिस के लॉन्ग प्लॉट करेंगे वैल्यूज ऑफ द फंक्शन को, इसीलिए हम इसको वाई मान लेते हैं लेट, तो इसका ग्राफ एक पैराबोला होगा जिसका कंकेविटी पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा या नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, डिपेंड करता है ए के साइन पे, और इस ग्राफ का जो पैराबोला बनेगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा टू ए एक्स स्क्वायर, और इस पैराबोला का वर्टेक्स माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस बी बाई फोर ए पर होगा और इसका एक्सिस होगा एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्वभाव ही देख लीजिए उस फंक्शन का ग्राफ, अगर ए पॉजिटिव होगा तो कुछ इस तरह का चित्र बनेगा और ए नेगेटिव होगा तो कुछ इस तरह का चित्र बनेगा, ए नेगेटिव, और वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट्स है ये एक्सिस, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स वही फॉर्मूला है और एक्सिस का इक्वेशन ये लिखा है। और ग्राफ का जो स्वभाव है, जैसे लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होता था वो या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता था डिपेंडिंग अपॉन द स्लोप, अगर ए पॉजिटिव नंबर है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ए नेगेटिव नंबर है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ए नेगेटिव है तो और ए पॉजिटिव है, लेकिन क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ वो एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए लाइन यानी एक्सिस के एक तरफ डिक्रीजिंग स्वभाव का होता है तो दूसरी तरफ इंक्रीजिंग स्वभाव का, या लेफ्ट साइड अगर इंक्रीजिंग स्वभाव का है तो दूसरी तरफ डिक्रीजिंग स्वभाव का है, यानी इसको ऐसे बोलते हैं कि इस फंक्शन का जो नेचर है वो चेंज करता है एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू, वर्टिकल लाइन को जब आप शिफ्ट करेंगे x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए की तरफ
तो लगातार डिक्रीज करता जाएगा फंक्शन का वैल्यू, और x इक्वल टू माइनस वी बाई टू ए पर आकर के अपना स्वभाव बदल देगा। अब यहां के बाद फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज करने लगेगा। कुछ इस तरह का बात समझना है कि ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन है ऑल रियल नंबर्स, इसमें एक पर्टिकुलर नंबर है माइनस बी बाई टू ए, ये नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी और जीरो भी हो सकता है। बी अगर जीरो हो तो ये जीरो हो। ये नंबर की खासियत ये है कि जैसे ही आप अगर इसमें एक पॉजिटिव नंबर है अगर, तो इस फंक्शन में माइनस इन्फिनिटी से माइनस वी बाई टू ए तक कोई भी नंबर ना लिए, ये वैल्यूज जो रिटर्न करेगा, जैसे जैसे आप एक्स के वैल्यूज को बड़ा और बड़ा डालेंगे वैसे वैसे फंक्शन का वैल्यूज छोटा और छोटा और छोटा होता जाए। एग्जैक्टली एक्स इक्वल टू माइनस वी बाई टू ए डालने पर इस फंक्शन का वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो लीस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी एफ ऑफ माइनस बी बाई टू ए फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए जो कि हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं वो इक्वल टू होता है माइनस बी बाई फोर। तो आप एग्जैक्टली माइनस बी बाई टू ए डालिएगा तो ये माइनस डी बाई फोर ए रिटर्न करेगा जो कि फंक्शन का लीस्ट वैल्यू होगा अगर ए एक पॉजिटिव नंबर, और ए अगर नेगेटिव नंबर है तो माइनस बी बाई टू ए डालने पर जो नंबर रिटर्न करेगा वो फंक्शन का ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा। इस केस में फंक्शन का लीस्ट वैल्यू है, यानी फंक्शन का जो सारा वैल्यूज है वो एक्स इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू माइनस बी बाई फोर ए से लेकर के वाई इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी तक के बीच में लाई करेगा, वो फंक्शन का रेंज है। वाई लाइज बिटवीन माइनस बी बाई फोर ए टू प्लस इन्फिनिटी, और इस केस में रेंज फंक्शन का वाई लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस डी बाई फोर ए तक। यानी ये जो ये दोनों नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए वो नंबर है इस फंक्शन के डोमेन ऑफ डेफिनेशन में से एक खास नंबर जहां पे फंक्शन अपना स्वभाव बदलता है, अनलाइक लीनियर फंक्शन जिसका स्वभाव नहीं बदलता है। लीनियर फंक्शन का स्वभाव लगातार डिक्रीज करता है या लगातार इंक्रीज करता है, जबकि क्वाड्रेटिक फंक्शन अपना स्वभाव बदलता है। अगर ए पॉजिटिव नंबर है तो वो अपने एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू तक फंक्शन का वैल्यू जैसे जैसे यहाँ से नंबर डालिएगा एक एक करके फंक्शन का वैल्यूज छोटा, एक्स बड़ा और बड़ा, लेकिन फंक्शन का वैल्यूज छोटा और छोटा और छोटा। जैसे ही आप एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए डालिएगा फंक्शन का वैल्यू लीस्ट रिटर्न करेगा ये माइनस बी बाई फोर ए। इससे नीचे ग्राफ पे कोई पॉइंट नहीं है जिसका वाई कोऑर्डिनेट इससे नीचे है, यानी हॉरिजॉन्टल से अगर आप बनाए जो इस ग्राफ को कट करे तो सबसे नीचे जो हॉरिजॉन्टल कट करता है वो है वाई बराबर माइनस डी बाई फोर ए, और ऊपर में अनबाउंडेड है ये, इसीलिए रेंज लिखेंगे। अगर इस फंक्शन का रेंज बोलिएगा, यही लीनियर फंक्शन का डोमेन और रेंज, लीनियर फंक्शन का डोमेन आर था और रेंज ये बढ़ता चला जाएगा भी आर था, चाहे वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो या डिक्रीजिंग। ऐसा ऐसी भी ऑल रियल नंबर्स फैलाव था ग्राफ का, और ऐसा ऐसे भी ग्राफ का फैलाव ऑल रियल नंबर्स, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से बनाएंगे तो y इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से y इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी तक ग्राफ को वो कट करेगा। लेकिन इस फंक्शन को क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो रेंज है वो हमेशा एक उसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स अगर इस प्रकार का ग्राफ है तो वर्टेक्स उसका लोएस्ट पॉइंट उसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं, कटौती, कटौती का जो कंधा है। और अगर इस तरह का चित्र बनेगा
एक के साइन पे डिपेंड करता है, या अगर पॉजिटिव नंबर है तो ऐसा चित्र बनेगा, ए नेगेटिव नंबर है तो इस केस में जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स वो पहाड़ का चोटी जैसा है, इसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं वर्टेक्स को। इस स्थिति में वर्टेक्स को हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं और इस स्थिति में वर्टेक्स को ट्रफ बोलते हैं। तो जब भी हमको कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन का पूछेगा रेंज बताइए, तो बस हमको सिर्फ यही संख्या याद रखना है कि यही संख्या उस फंक्शन का या तो लीस्ट वैल्यू होगा या ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा, डिपेंडिंग अपॉन। अगर ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है तो हम लोग रेंज को किस तरह से लिखे हैं, देखिए द वैल्यूज ऑफ y कोऑर्डिनेट्स लाई बिटवीन, पहले छोटा नंबर लिखते हैं और तब बड़ा, यहाँ पे फंक्शन का लीस्ट वैल्यू लिखते हैं और ग्रेटेस्ट। लीस्ट वैल्यू यहाँ पे माइनस इंफिनिटी लिखे हैं, विच मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका लीस्ट वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है क्योंकि ये नीचे और नीचे और नीचे चलता चला जाएगा, तो इस फंक्शन का लीस्ट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। ग्रेटेस्ट वैल्यू यही संख्या है, और जब मुंह ऊपर हो पैराबोला का तो उसका लीस्ट वैल्यू है यही संख्या, और उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। तो लीस्ट पहले ग्रेटेस्ट बाद, यानी बस यही दो नंबर है जो आपको इससे संबंधित याद रखना है। अगर हम आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन दे करके और कहें कि उसका चित्र बनाइए, तो चित्र बनाने के पहले सारा चीज जो आवश्यक है वो हम लोग देख रहे हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का चित्र बनाना हो तो पहला काम करना चाहिए कि उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को लोकेट कर लेना चाहिए। एक्स इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट दिख रहे हैं क्योंकि कोई भी फंक्शन का ग्राफ हो सकता है कि एक्स एक्सिस को कई जगह कट करे, एट मोर देन वन प्लेसेस। जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो एक से अधिक जगह पे कट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, ग्राफ कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर हो सकता है या कंप्लीटली एक्स एक्सिस के नीचे बन सकता है, एक्स एक्सिस को जस्ट टच कर सकता है या दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर सकता है। पर ये सब चीज हम लोग को पहले निकाल लेना चाहिए। तो अगर हमको इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो हम पहला काम करेंगे उसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। कैसे? एक्स के जगह जीरो डालेंगे तो हमको वाई इंटरसेप्ट निकल जाएगा, तो तुरंत दिख रहा है उस नंबर सी है दैट इज द वाई इंटरसेप्ट, और वाई के जगह जीरो लिख करके हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ई एक्स प्लस सी बराबर से, तो एक्स का वैल्यूज हमको निकल जाएगा माइनस वी बाई टू ए, ये है एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए माइनस रूट डी बाई टू ए, उससे रूट डी बाई टू ए यूनिट्स लेफ्ट और माइनस बी बाई टू ए प्लस रूट डी बाई टू ए, ये वाला लगता है। तो एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, वाई इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, अब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, बस अब हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, स्टेप्स मत भूलिएगा, हम स्टेप्स आपको एक बार और याद दिला देते हैं। जैसे हमको एक लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनाना होता था तो हम सिर्फ उसका एक्स इंटरसेप्ट लोकेट किए, इसको लेट वाई बराबर लिख दिए, यहाँ वाई लिखेंगे यहाँ एक्स, एक्स के जगह जीरो डाले वाई का वाई इंटरसेप्ट निकल गया डी, वाई के जगह जीरो डाले एक्स इंटरसेप्ट ढूंढ लिए माइनस डी बाई ए। अब ये नंबर हम नहीं जानते पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव, और ज्वाइन कर दिए। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाने, लीनियर फंक्शन का चित्र बनाने के लिए आपको बस दो पॉइंट ढूंढना पड़ता है। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन का बनाने के पहले भी आपको एक्स इंटरसेप्ट ढूंढ लीजिए, वाई इंटरसेप्ट ढूंढ लीजिए और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लीजिए, एंड देयर यू आर, अब ग्राफ बनाइए। एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसका ग्राफ बनाना है, तो हम लेट इस फंक्शन को वाई मान लेते हैं। अब हम इसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं, y इंटरसेप्ट x की जगह जीरो डालिए और y कोऑर्डिनेट जो मिला इसी को बोलते हैं y इंटरसेप्ट, तो हम ढूंढ लिए put x equal to 0, putting x equal to 0 gives y बराबर 5। अब x इंटरसेप्ट ढूंढ रहे हैं,
putting y बराबर 0 gives minus 3x square plus x plus 5 बराबर 0, x equal minus 1 plus minus root under 1 minus 4ac plus हो जाएगा 60, इसको हम 61 लिख दे रहे हैं, root 61 divided by 2 times minus 3, यानी 1/6 minus root 61 by 6 और 1/6 plus root 61 by 6, दो जगह x एक्सिस को कट कर रहा है। अब हम वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स माइनस बी बाई 2a, तो माइनस 1 बाई माइनस 6 कॉमा माइनस डी, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, माइनस डी डिवाइडेड बाई 4a, केवल उसी को हम लोग को याद रखना है, तो माइनस 2a, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स हो गया इक्वल टू 1/6 कॉमा 61/12 इक्वल टू 1/6 कॉमा 61। इसके एक्सिस का इक्वेशन ये है वर्टेक्स, वर्टेक्स लोकेट कर लिए, एक्सिस एक्सिस बस यही वाला जो नंबर है वर्टेक्स के, वर्टेक्स से ही पास करता है एक्सिस और वो लाइन पैरेलल टू दी वाई एक्सिस होता है, तो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 1/6 है, तो इस लाइन पे जितना भी पॉइंट होगा सबका कोऑर्डिनेट्स 1/6 होगा, इसीलिए एक्सिस का इक्वेशन बस एक्स इक्वल टू 1/6। अब हम लोग इस चित्र को बना सकते हैं, इसका चित्र एक पैराबोला होगा जिसका मुंह नीचे की तरफ होगा, नेगेटिव नंबर है और उसका 3x स्क्वायर पैराबोला के शक्ल का होगा इसका ग्राफ, मतलब कॉन्ग्रुएंट होगा, माइनस 3x स्क्वायर का ग्राफ ये होगा अगर 3x स्क्वायर का ग्राफ ही हो, तो इसी के कॉन्ग्रुएंट होगा, पर ये ग्राफ अब यहाँ नहीं बल्कि कहीं और, वर्टेक्स जहाँ पे चला गया है 1/6 कॉमा 61/2, इसी ग्राफ को हमको घसकाना है 1/6 कॉमा 6/12। हम इसका y इंटरसेप्ट को मार्क कर रहे हैं 5, ये एक्सिस है पैराबोला का, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है 1/6 और उसका y कोऑर्डिनेट है 61/12, सो दिस इज द वर्टेक्स 1/6 कॉमा 61/12 और x इंटरसेप्ट एक नंबर है 1/6 माइनस रूट 61/6, ये वाला नंबर 1/6 माइनस रूट 61/6 और ये वाला पॉइंट 1/6 प्लस रूट 61/6, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट ये सब पॉइंट मार्क होना चाहिए, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स और एक्सिस ऑफ द पैराबोला, इस लाइन का इक्वेशन होगा x इक्वल टू 1/6, ये लिखना जरूरी नहीं था, यहाँ से पास करता है एक लाइन पैरेलल टू दी y एक्सिस। अगर हम इस फंक्शन का रेंज पूछें कि y बिलोंग्स टू, इसके लिए चित्र बनाने का आवश्यकता नहीं था, आप केवल अगर याद हो कि मुंह नीचे जो पैराबोला होगा उसका वैल्यूज माइनस इंफिनिटी से लेकर के उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू जो कि होता है माइनस डी बाई 4a जो कि इस केस में 61/12 है, तो इसका जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर बनाएंगे तो सब माइनस इन्फिनिटी से लेकर y बराबर 61/12 तक का हॉरिजॉन्टल लाइंस कट करेगा इस ग्राफ को, इसके ऊपर का जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो सब ग्राफ को कहीं कट नहीं करेगा, सो दैट इज द रेंज। यहाँ गिवन fx बराबर इतना, डिफाइन फॉर ऑल रियल नंबर्स, आपका पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, प्लॉट द ग्राफ एंड फाइंड इट्स रेंज। स्टेप वन,
हम y इंटरसेप्ट लोकेट करेंगे, दैट इज माई फर्स्ट स्टेप, ऑलवेज पुटिंग x बराबर 0 गिव्स y बराबर 6। अब x इंटरसेप्ट लोकेट करेंगे, पुटिंग y बराबर 0 गिव्स x बराबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हमको दिख रहा है आसानी से, इसका फैक्टर्स दिख रहा है, इसीलिए हम ऐसे लिख करके x का वैल्यूज निकाल लिए। पर ये जरूरी नहीं है अब फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करना, आप डायरेक्टली x इक्वल टू 5 प्लस माइनस आदम डालते हैं 25 माइनस 24 बाय 2, तो ये 1 हो जाएगा, 5 प्लस माइनस 1 बाय 2, 5 माइनस 1 बाय 2 2 एंड 5 प्लस 1 बाय 2 3। तो हम लोग दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं, पर हम लोग को आदत डाली है इसी का, उसका नहीं। अब हम इसका ग्राफ तुरंत बना सकते हैं, x इक्वल टू 1 2 3 और कहीं यहाँ पे 6, इस तरह का ग्राफ बनेगा। y एक्सिस, x एक्सिस और 6, और इसका वर्टेक्स जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है इस ग्राफ पे, उसका x कोऑर्डिनेट 5 बाई 2 होगा, 3 प्लस 2 5 डिवाइडेड बाई 2। और आप अगर इस फंक्शन में x के जगह 5 बाई 2 डाल दें तो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट होगा f ऑफ 5 बाई 2 यहाँ पे, जो हम लोग को याद है माइनस d बाई 4 a, तो लिख सकते हैं, या हम x के जगह 5 बाई 2 डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं, 25 बाई 4 माइनस 25 बाई 2 प्लस 6। हम इसको ऊपर नीचे 2 से गुना कर दें तो 50 बटे 4, 25 माइनस 50 माइनस 25 बटे 4 प्लस 6। अब इसको ऊपर नीचे 4 से गुना करें तो 24 बटे 4 माइनस 25 प्लस 24 माइनस 1 बटे 4, इसका y कोऑर्डिनेट लिख दिया। या वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट स्ट्रेट अवे, अगर हम लोग को याद हो, माइनस डी बाई 4 है, उससे भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यही आना चाहिए। द ग्राफ इज रेडी। सेकेंड पार्ट, फाइंड इट्स रेंज। रेंज दिख रहा है, फंक्शन का वैल्यूज रेंज हम लिख रहे हैं, फंक्शन कितने तरीका से लिख सकते हैं इस बात को। फंक्शन का वैल्यूज विल लाई बिटवीन माइनस 1 बाई 4 टू प्लस इन्फिनिटी, ये एक तरीका है रेंज लिखने का, यानी आप y कोऑर्डिनेट्स ढूंढ के पता लगाते हैं कि कितना से कितना के बीच में y कोऑर्डिनेट्स होगा। दूसरा तरीका लिखने का, fx will always be greater than or equal to माइनस 4, ये दो तरीका है रेंज स्पेसिफाई करने का। अगर हम कभी पूछें कि इस फंक्शन का लीस्ट वैल्यू क्या है तो आप बोलेंगे माइनस 1 बटे 4, और अगर हम पूछेंगे कि इस फंक्शन का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है तो आप बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। सेकेंड पार्ट, अब जरा इसको गौर से देखिए, हम एक फंक्शन डिफाइन कर चुके हैं, उसका डोमेन में सारा रियल नंबर्स है, यानी हम इस फंक्शन का वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं, f ऑफ माइनस 2 बाई 3 का वैल्यू बताइए, यानी इस फैक्ट्री में x के स्थान पे माइनस 2 बटे 3 नंबर लेकर के हम घुस सकते हैं, ये फैक्ट्री हमको रिजेक्ट नहीं करेगा। अगर ये फंक्शन डिफाइंड होता फॉर नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तब हम फंक्शन का वैल्यू पूछते फॉर x इक्वल टू माइनस 2 बटे 3, तो आप कहते नॉट डिफाइंड, यानी दिस फंक्शन हैज नॉट बीन डिफाइंड
फॉर सच ए नंबर, ऐसा बोलते हैं। यानी जब भी हम फंक्शन का वैल्यू आपसे पूछेंगे कि बताइए, तो हम वही नंबर देंगे जो उसके डोमेन में लाई करता है, उसके बाहर से नंबर नहीं देंगे। तो चूंकि इस फंक्शन को हम डिफाइन किए हैं फॉर ऑल रियल नंबर्स, इसीलिए हम ऐसा सवाल पूछ सकते हैं। उल्टा इसका रेंज माइनस एक बटे चार से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इसका रेंज है। इधर नंबर्स को हम शेड नहीं किए हैं नंबर लाइन। अगर हम उल्टा सवाल पूछना चाहें, इसमें से कोई एक नंबर लेंगे और कहेंगे कि फंक्शन का वैल्यू इक्वल टू, एक नंबर ले रहे हैं माइनस एक बटे पाँच, ये नंबर माइनस एक बटे चार से बड़ा है, थोड़ा और ओरिजिन के निकट चला गया। एक बटे चार जितना दूर होता है ओरिजिन से, एक बटे पाँच और निकट होता है। माइनस साइन है तो माइनस, अगर यहाँ ओरिजिन है यहाँ माइनस वन है तो माइनस एक बटे चार यहाँ पे होगा। इसको चार बराबर हिस्सों में बांट दें और माइनस एक बटे पाँच और निकट होगा ओरिजिन से, लेकिन माइनस एक बटे चार से बड़ा होगा ये नंबर। तो हम इसके रेंज में से एक नंबर उठाए हैं माइनस एक बटे पाँच। और अगली बार हम एक इक्वेशन आपको दे रहे हैं सॉल्व फॉर x, यानी फंक्शन का वैल्यू इक्वल टू माइनस एक बटे पाँच कब होगा, ऐसा x का वैल्यू ढूंढिए। यानी इस बार आप एक इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस, इसमें से कोई नंबर अगर आप x डालते हैं तो जो रिटर्न करता है वो है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो इस बार हम पूछ रहे हैं इस संख्या का, ये संख्या है, ये भी एक संख्या है, और ये दोनों हमेशा जोड़ा में एग्जिस्ट करता है x कॉमा x स्क्वायर। तो हम अगर x का वैल्यू दे दें, यहाँ वाला संख्या वो वाला संख्या पूछें तो बता देंगे आसानी से। और जब हम इसका इस संख्या का मान दे दिए हैं इतना, तो अब हमको x का मान बताइए। पर ये सवाल पूछते वक्त हमको वही संख्या देना होगा जो इस फंक्शन के रेंज में लाई करता है। अगर हम यहाँ पे एक संख्या लिख दें माइनस वन, यहाँ है माइनस वन, ग्राफ से भी आप देख सकते हैं हम x का वैल्यू दे करके फोर, आप पूछें फंक्शन का वैल्यू बताइए, तो आप एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे जहाँ जाके ग्राफ को कट करेगा उसका जो y कोऑर्डिनेट है वही है फंक्शन का वैल्यू फॉर x इक्वल टू फोर। यानी ये नंबर को हम f ऑफ फोर बोलते हैं। और उल्टा अगर हम फंक्शन का वैल्यू बोलें कि वन चाहते हैं कि हो, तो x का वैल्यूज ढूंढिए। तो इस बार आपको y कोऑर्डिनेट हम दे दिए हैं y बराबर वन, फंक्शन का वैल्यू इक्वल वन, और x कोऑर्डिनेट ढूंढना है जहां जहां ग्राफ को कट करेगा उनका करिस्पोंडिंग x कोऑर्डिनेट ढूंढ लेंगे। तो हम जब भी ऐसा सवाल पूछेंगे इनपुट देके आउटपुट पूछेंगे, या आउटपुट देके इनपुट पूछेंगे। एक संबंध है ना इनपुट आउटपुट में, यही संबंध है। आउटपुट मस्ट इक्वल स्क्वायर ऑफ द इनपुट माइनस फाइव टाइम्स इनपुट प्लस सिक्स। तो अगर हम इनपुट का वैल्यू कह दें कि चाहते हैं माइनस दो बटे तीन, तो आउटपुट कैलकुलेट करके बता दीजिए, तो डालिए एक्स के जगह वाई निकल जाएगा, वैसे वर्षा आउटपुट दे दे इनपुट पूछे। और ग्राफ में भी ये समझ में आना चाहिए, इनपुट देना मतलब वर्टिकल लाइन बताना, आप उसका हॉरिजॉन्टल लाइन खोजेंगे, और आउटपुट देना मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस आउटपुट्स डिनोट करता है, और आप उसका करिस्पोंडिंग एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे, दैट विल बी द इनपुट। तो जब भी हम ये सवाल पूछेंगे तो एक्स का जो वैल्यूज हम देंगे वो इसी इंटरवल में से कोई देंगे, और जब हम वाई का वैल्यू दे करके
एक्स का वैल्यू ढूंढने बोलेंगे तो हम नेसेसरीली इस फंक्शन का जो रेंज है उसी में से वाई का वैल्यू देंगे. द वैल्यूज ऑफ वाई लाई बिटवीन इतना टू इतना एंड द वैल्यूज ऑफ एक्स लाई बिटवीन इतना टू इतना. तो इस रिलेशन में एक्स जब भी देंगे तो डोमेन में से देंगे और वाई का वैल्यू जब भी देख करके सवाल पूछेंगे एक्स ढूंढिए तो हम रेंज में से देंगे. जैसे हम इस सवाल में अगर आपसे पूछ दें कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स यानी फंक्शन का वैल्यू इक्वल टू माइनस वन, सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर एक्स, सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर एक्स, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी कोई रियल नंबर नहीं मिलेगा. वो ग्राफ से भी आपको दिख रहा है, यहां जो स्टेटमेंट लिखे हैं उससे भी समझ में आ रहा है. यहां लिखा है कि फंक्शन का वैल्यू, इस फंक्शन का वैल्यूज हमेशा माइनस एक बटे चार से बेसी होगा या एक माइनस एक बटे चार भी हो सकता है. हम पूछ रहे हैं कि फंक्शन का वैल्यू माइनस वन कब होगा. तो अगर आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फंक्शन एफ ऑफ एक्स का मतलब यह है इसका वैल्यू माइनस वन कब होगा, आप इसको अगर इस तरह से वन ऐड करके एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के शक्ल में ले आए और ढूंढने का प्रयास करें एक्स का वैल्यूज, तो यहां पे जो डिस्क्रिमिनेंट है वो एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा, 25 माइनस 28. तो तुरंत हम समझ जाएंगे कि इस इक्वेशन का कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है, जो कि ग्राफ में भी दिखना चाहिए, जो कि पहले ही से आपको पता था कि जब ये नंबर जो हम दिए हैं फंक्शन का वैल्यू इतना हो ही नहीं सकता, ये नंबर फंक्शन के रेंज में ही नहीं है, यानी आउटपुट सेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है. अगर हम कोई भी फंक्शन का वैल्यू दें रेंज में, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आपको एग्जैक्टली अगर हम कहें कि फंक्शन का वैल्यू इक्वल टू माइनस वन बाई फोर, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, यानी आप एक इक्वेशन लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, यानी इस हॉरिजॉन्टल लाइन का जहां भी इंटरसेक्शन होगा कर्व से उसी का आप एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढ रहे हैं. तो इसको जब सॉल्व करना हो तो एक तरफ लाइन 1 बाई फोर ऐड करके 6 प्लस 1 बाई फोर इज 25 बाई फोर, इसका जो सॉल्यूशन ढूंढें 5 प्लस माइनस 25 माइनस 4 एसी तो 25 आएगा. इसका मतलब इस बार डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, तो एक सॉल्यूशन है 5 बटे 2 प्लस 0 और एक सॉल्यूशन है 5 बटे 2 माइनस 0, यानी कि दो सॉल्यूशन आया, दोनों आइडेंटिकल सॉल्यूशन बोलते हैं आया. वो इसलिए क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो ग्राफ बना है वो जस्ट टच करता है, ऐसा बोलते हैं, कट एंड टच में अंतर है. अभी हम यहां हॉरिजॉन्टल लाइन कोई बनाएंगे या इसके ऊपर तो ग्राफ उसको कट कर रहा है ऐसा बोलेंगे, लेकिन इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ग्राफ टच करके लौट जा रहा है. ऐसे स्ट्रेट लाइन को जो किसी भी ग्राफ को किसी पॉइंट पे टच कर जाए, इस पॉइंट पे टच कर रहा है ये लाइन, तो हम ऐसे लाइन को बोलते हैं टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट पी. एट पॉइंट पी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे टेंजेंट बनाइएगा तो ये लाइन, यहां पे टेंजेंट बनाइएगा तो ये लाइन, और अगर कोई भी ऐसा लाइन बनाए जो ग्राफ को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स अलग अलग पे कट करता हो तो ऐसे लाइंस को बोलते हैं सीकेंट. और ऐसा कोई लाइन जो किसी ग्राफ को किसी एक पॉइंट पे टच करता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि ग्राफ को टू आइडेंटिकल पॉइंट्स पे कट कर रहा है, जैसे ये लाइन ग्राफ को ए और बी
टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रहा है, और ये लाइन जिसको हम टेंजेंट एट पी कहेंगे, उसको मैथमेटिकली ऐसा भी कहेंगे भविष्य में कि ये लाइन ग्राफ को दो आइडेंटिकल जगह पे कट कर रहा है, पी पे और पी पे, ऐसा भी बोलेंगे। ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रहा है ग्राफ को, ए और बी पे, और टेंजेंट एट पी टू आइडेंटिकल पॉइंट्स पे कट कर रहा है कर्व को, टचिंग को हम कटिंग बोलेंगे एट आइडेंटिकल पॉइंट्स, कहां और कहां, पी पे और फिर पी पे, यानी पी के अड़ोस पड़ोस में, नेबरहुड में, फिर कर्व किसी नए पॉइंट पे ग्राफ को नहीं कट कर रहा है, पी पे कट किया फिर पी पे कट किया, ऐसा बोलेंगे मैथमेटिकली। और इस बात का महत्व तो बहुत ज्यादा है जो अभी बोले, वो हम लोग क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में समझेंगे कि कितना महत्वपूर्ण बात है ये बोलना। टेंजेंट एट पी विच मीन्स टचिंग एट पी को हम बोलेंगे कटिंग एट टू आइडेंटिकल पॉइंट्स पी एंड पी, इस बात का महत्व हम लोग क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में समझेंगे। तो आप अगर इस फंक्शन का वैल्यू एग्जैक्टली माइनस एक बटे चार कब होगा, ऐसा वैल्यूज ऑफ एक्स ढूंढिए। आप ढूंढते यहां से हैं, इसको एनालिसिस बोलते हैं, लेकिन समझना भी जरूरी है कि एक्चुअली कर क्या रहे। आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, वाई बराबर, ये रिलेशन है ना, वाई इक्वल इतना, तो हम आपको y का वैल्यू दे रहे हैं, x का वैल्यू पूछ रहे हैं। तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए y बराबर माइनस वन बाई फोर, जहां जहां जाके वो ग्राफ को कट करेगा उन पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए बोल रहे हैं, जो कि आप ढूंढे पांच बटे दो कोमा पांच बटे दो, टू आइडेंटिकल पॉइंट्स। अगर हम यहां पे y के स्थान पे माइनस एक बटे चार से बड़ा कोई भी संख्या दे, वाई बट वाई का वैल्यू वन, तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के देखिए वाई बराबर वन, तो वो ग्राफ को दो जगह कट करता हुआ दिख रहा है, आपको दो एक्स का वैल्यूज आएगा, यानी दो इनपुट ऐसा है जिसके करिस्पॉन्डिंग ये फंक्शन का वैल्यू माइनस वन प्लस वन होगा। अब वो कौन कौन पॉइंट्स है, यहां और यहां, ये दोनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आप अब अगर यहां वन लिख के सॉल्व करें क्वाड्रेटिक को, तो आपको दोनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएगा। जो हमको आखिरी बात सीखना है इस फंक्शन से रिलेटेड, जो हम सोचे थे कि समाप्त कर देंगे पर अभी नहीं कर पाएंगे, वो अब ये सीखना है कि अगर हम इस फैक्ट्री में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इसका डोमेन है, ये कि इसका रेंज अब माइनस एक बटे चार से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में होगा, यहाँ पे डॉट डाले हैं, ये क्लोज्ड है, और उधर उस छोर पे हम केवल शेड करके छोड़ दिए हैं, ना डॉट ना होल कुछ नहीं, वो ओपन है, अनंत है वो, इन दोनों पे भी हम, ये अनंत है, ऐसे ही कुछ दूर तक शेड करके माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी लिख दिया है। ये तो सीख गए कि इसमें से कोई नंबर डालें, बताएं कि उसका फंक्शन का वैल्यू बताइए, एक्स दें वाई बताइए, वाई दें एक्स बताइए, इसी इक्वेशन में सब कुछ है। अब आखिरी बात जो सीखना है कि एक सर्टेन इंटरवल ऑफ एक्स दे दें, कि एक्स का वैल्यू अगर हम कोई एक नंबर माइनस वन से लेके तीन तक हम अगर डालें, इतना ही दूर, अब बताइए कि फंक्शन का रेंज क्या होगा। यानी इस बार जो ग्राफ बनाना है वो आपको, ये जो ग्राफ बनाए हैं वो तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक बना दिए हैं, हम थोड़ा छोटा कर रहे हैं, x बराबर हाफ से x बराबर टू के बीच में। तो इस बार ग्राफ आपको पूरा बनाना भी नहीं था, ये तो पूरा ग्राफ है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इस बार हम चाहते हैं कि x बराबर टू है ये, वन है ये, हाफ यहाँ,
x बराबर हाफ से लेके x बराबर थोड़ा बड़ा नंबर दे रहे हैं 5 या 4, तो x बराबर हाफ से लेकर के x बराबर 4 के बीच में आप ग्राफ बनाएं, यानी सिर्फ इसी पोर्शन से मतलब है पैराबोला के, बाकी को हम मिटा रहे हैं। और यही पूछे हैं कि अगर हम फंक्शन का ग्राफ बनाएं सिर्फ x इक्वल टू हाफ से लेके x इक्वल टू 4 के बीच में, तो उसका रेंज क्या आएगा। तो देखिए यही तो ग्राफ है, इतना से लेके इतना के बीच में सारा y कोऑर्डिनेट्स, हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट्स सब का, और यहां पे अगर हम क्लोज कर दें और यहां भी क्लोज, तो आप ग्राफ पे यहां एक डॉट बनाएंगे ये दिखाने के लिए कि x इक्वल टू हाफ के लिए हम इस फंक्शन को डिफाइन किए हैं, यानी x इक्वल टू हाफ लाइन पे फंक्शन का वैल्यू निकालना होगा और वहां भी एक डॉट बनाना होगा। अगर हम यहां पे होल बना देंगे तो आप भी ग्राफ पे एक होल बनाएंगे ये दिखाने के लिए कि x इक्वल टू हाफ पे हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो वो डॉट यानी फंक्शन का वैल्यू फॉर x इक्वल टू हाफ जिसका कोऑर्डिनेट्स हाफ कॉमा एफ ऑफ हाफ है, ये पॉइंट हमारे ग्राफ पे नहीं है। हाँ, उसके बाद कोई भी वर्टिकल लाइन कल्पना कीजिए एकदम सट के भी, हाफ मतलब 0.5, तो 0.5 पे हम नहीं डिफाइन किए, पर 0.5 से बड़ा कोई भी नंबर सोच लीजिए, 0.5 1 और न 0.5 0001, ये 0.5 से बड़ा नंबर हम लिख रहे हैं, यानी जितना भी आप इस वर्टिकल लाइन के निकट रखना चाहें, हर वर्टिकल लाइन के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, हर वर्टिकल लाइन पे डॉट है, लेकिन x इक्वल टू 0.5 लाइन पे डॉट नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे 0.5 को अपने फंक्शन के डोमेन में इंक्लूड नहीं किए, लेकिन 4 को इंक्लूड किए, तो आप यहाँ होल बनाएंगे और वहां पे डॉट। फिर से बोले, हम लोग को जो अब आखिरी बात इस फंक्शन से रिलेटेड सीखना है कि अगर हम एक लिमिटेड डोमेन डिफाइन करें, ये तो स्वाभाविक था, स्वाभाविक डोमेन में रेंज बताने के लिए बस आपको एक संख्या याद रखना है, वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट माइनस डी बटे 4a बस। लेकिन अगर हम लिमिटेड डोमेन दे दें और अब कहें कि फंक्शन का वैल्यू बनाइए, जैसे हम एक लीनियर फंक्शन यहां देते 2x+3 और हम यही सवाल पूछते कि हाफ से लेके 4 के बीच में फंक्शन का रेंज बताइए, तो ये तुरंत बता देते इस फंक्शन का नाम अगर हम जी ऑफ एक्स रख दें, तो आप कहें हैं कि एक्स लाइज बिटवीन हाफ टू 4 क्लोज्ड ओपन, आज जी एक्स फंक्शन का वैल्यूज कितना से कितना के बीच में होगा, तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी एक्स इक्वल टू हाफ डालेंगे तो फंक्शन का वैल्यू सबसे छोटा रिटर्न करेगा, और x इक्वल टू 4 डालेंगे तो फंक्शन का वैल्यू ग्रेटेस्ट होगा। तो हम यहां सबसे छोटा वाला वैल्यू पहले लिखते हैं, सबसे बड़ा वाला, लेकिन यहां ओपन ब्रैकेट दिए हैं इसलिए कि x इक्वल टू हाफ के लिए हम इस फंक्शन को डिफाइन ही नहीं किया, तो इसीलिए x इक्वल टू हाफ पे जो फंक्शन का वैल्यू आप यहां आएगा वो हमारे रेंज में भी नहीं दिखेगा, आउटपुट सेट में नहीं पाया जाएगा, उस नंबर से बड़ा परंतु जी ऑफ 4 से छोटा सारा नंबर आउटपुट के झोला में पाया जाएगा। x इक्वल टू हाफ डालेंगे तो 4 और x इक्वल टू 4 डालेंगे तो 11, यानी इस फंक्शन में अगर आप इतना से इतना के बीच में वैल्यूज ऑफ x डालेंगे तो ये फंक्शन 4 से बड़ा लेकिन 11 या 11 से छोटा नंबर्स को रिटर्न करेगा। इसको बताने में विलंब नहीं है, लीनियर फंक्शंस का वैल्यूज बताना बहुत आसान है, रेंज केवल देखना है कि अगर हम इसी सवाल में, इस बार तो हम लोग
अगर यहां पे फंक्शन हम चेंज कर दें माइनस टू एक्स प्लस थ्री सेम डोमेन के लिए, अब इसका रेंज बताइए, तो इस बार उल्टा हो जाएगा, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी x इक्वल टू हाफ पे फंक्शन का वैल्यू ग्रेटेस्ट होगा g ऑफ हाफ, और x इक्वल टू फोर डालने पर ये लीस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा, ब्रैकेट यहां वहां ओपन, क्योंकि x इक्वल टू हाफ ये जो बनाइएगा ग्राफ x इक्वल टू हाफ से लेके x इक्वल टू थ्री के बीच में, माइनस टू एक्स प्लस थ्री का ग्राफ y इंटरसेप्ट थ्री स्लोप माइनस टू, लेकिन हमको सिर्फ इतने से मतलब है, तो उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू यही रेंज है, पर ये सब हम लोग नहीं करते हैं, आंसर तुरंत बता देंगे, चूंकि स्वभाव पता है डिक्रीजिंग, तो x इक्वल टू हाफ पे फंक्शन का वैल्यू ग्रेटेस्ट होगा और x इक्वल टू फोर पे फंक्शन का वैल्यू लीस्ट होगा। अब यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट डाले हैं, वहां ओपन, यहां होल और यहां डॉट, क्योंकि ये लाइन हमारे डोमेन में नहीं है, परंतु ये लाइन और यहां से लेके यहां तक का सारा लाइन हमारे डोमेन में है, सो सारा डॉट्स बनेगा, हर वर्टिकल लाइन पे डॉट्स बनेगा, इस पे भी बनेगा, इस पे नहीं बनेगा। इस बार फंक्शन का वैल्यूज 11 से x इक्वल टू 4 डालेंगे तो माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5, और x इक्वल टू हाफ डालेंगे तो 3 माइनस 1 2, माइनस 5 से लेके 2 तक, ये है माइनस 5 y कोऑर्डिनेट और ये है 2, इतना दूर में सारा, यानी लीनियर फंक्शन का रेंज बताने में हम लोग को कोई मेहनत नहीं करना है, ग्राफ भी नहीं बनाना है, सिर्फ एनालिसिस से बता देंगे। अब हमको सीखना यह है कि अगर हम यही डोमेन इस क्वाड्रेटिक फंक्शन में डाल दें, x इक्वल टू हाफ से x इक्वल टू फोर के बीच में अगर इस फंक्शन का ग्राफ बनाएं, तो उसका रेंज कितना से कितना के बीच में आएगा। अब इसके लिए ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, चलिए ग्राफ बना लिए, तो टुकड़ा बनाना चाहिए कि पूरा बनाना चाहिए? पूरा बनाना चाहिए, पूरा पहले बना लेना चाहिए, आप फिर अपना डोमेन इंटरवल मार्क करके आपके आवश्यक पोर्शन को बोल्ड कर लेना चाहिए, और तब आपको रेंज समझ में आ जाएगा। जैसे इसका रेंज बताना हो तो इसका लीस्ट वैल्यू वर्टेक्स का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो है, ग्रेटेस्ट एक्स इक्वल टू फोर और एक्स इक्वल टू हाफ में जो ऊपर हो। अभी हम तो अंदाज से बनाए हैं, हो सकता है कि ये टू द स्केल नहीं बना हुआ है, हो सकता है कि एक्स इक्वल टू फोर वाला जो डॉट है वो यहां कहीं हो और ई होल ऊपर हो। लेट अस चेक, हम f ऑफ हाफ कैलकुलेट कर लेते हैं और f ऑफ फोर कैलकुलेट कर लेते हैं। x इक्वल टू हाफ डालें तो 1 बाई फोर माइनस 5 बाई टू प्लस 6, और f ऑफ फोर 16 माइनस 20 प्लस 6, 16 माइनस 20 इज माइनस 4 प्लस 6 इज 2, सो दिस हाइट इज 2, और ये 10 बटे 4 कर दें तो इन दोनों को जोड़ दें 1 माइनस 10 माइनस 9 बटे 4 प्लस 6 विच इज 24 माइनस 9 15 बटे 4, ये करीब 3 पॉइंट समथिंग है। ओ, ये होल ऊपर है और वो डॉट एक्चुअली नीचे है, x इक्वल टू 4 यहां कहीं होगा, और ये बात हम लोग पहले भी समझ रहे थे कि ये डॉट नीचे होगा, समझ सकते थे अगर थोड़ा सा अलर्ट होते तो। देखिए ये नंबर है 5 बटे 2 एक्सिस 2.5, एक्स इक्वल टू 0.5 जो लाइन हम बनाए हैं वो एक्सिस से 2 यूनिट्स की दूरी पर है, 0.5 और 2.5 के बीच का दूरी, और ये वर्टिकल लाइन जो बना रहे हैं x इक्वल टू 4 वो 1.5 यूनिट्स दूर है, यानी एक्सिस से ये ज़्यादा दूर है, तो जितना दूर जाइएगा उतना ग्राफ ऊंचा होता जाएगा। तो इधर 2 यूनिट्स की दूरी पर है ये होल,
अगर 2 यूनिट्स के दूरी पर यानी 4.5 पे अगर हम वर्टिकल लाइन बनाए होते तो सेम हाइट पे आपको डॉट मिलता, लेकिन हम x इक्वल टू 4 नंबर दिए थे तो इट शुड हैव बीन रियलाइज्ड बाय अस बिफोर हैंड कि उसका डॉट नीचे आएगा। पर ये सब इतना टू द स्केल ग्राफ नहीं बनाना होता है, हमको तो यहां से वैल्यूज मिल ही जाएगा और मालूम हो जाएगा कि दोनों में कौन बड़ा है, वो बड़ा है। यानी अब इसका रेंज हम बोलेंगे इतना से इतना के बीच में इस फंक्शन का रेंज बता देंगे, -1/4 से लेकर के क्लोज्ड ये पॉइंट है हमारे ग्राफ पे, और y कोऑर्डिनेट ग्रेटेस्ट 15/4, लेकिन वहाँ एक होल बनाएंगे, ऑर्डिनरी ब्रैकेट बनाएंगे, क्योंकि 15/4 y कोऑर्डिनेट हमारे ग्राफ पे नहीं है। यानी सारा y कोऑर्डिनेट्स लाई करेगा बिटवीन -1/4 टू 15/4, यहाँ से लेके और यहाँ के बीच में लाई करेगा। आज यही समाप्त करते हैं।